हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टाइटल और थंबनेल कुछ अलग ही तरह की है, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में सिलीगुड़ी में जो अभी बहुत सर्दी हो रहा है, तो इसमें मैं आज शूट कर रही हूँ। और एक यूनिक टाइप का एक टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने आज देखा, तो इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी, जो कि है अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड्स। तो मैंने इंटरनेट पर अभी सर्च कर रही थी कि अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड्स के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि वीडियो बनाइए, तो मैं सोच रही थी कि अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड्स कौन सा मैं बना सकती हूँ। तो मुझे जो 8 टॉपिक मुझे ऐसा दिखा जो बहुत डेंजरस और स्केरी है और अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड है, फिर भी लोग इसको कर रहे हैं एज ट्रेंड, तो मैं उसी के ऊपर आज वीडियो बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा जो पहला टॉपिक है अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड का, वो है आईलाइनर टैटू। हाँ, मैं जो रिव्यू देती हूँ आईलाइनर का, हम तो वही जानते हैं कि हम ऐसे ऊपर एक आईलाइनर पहनते हैं, जो आज मैंने पहना नहीं है, तो वही आईलाइनर होता है। और आईलाइनर हम वेरियस काइंड्स का और वेरियस शेड्स का होता है जो हम यूज़ करते हैं। कोई ऐसे ब्रश वाला होता है, कोई पेन वाला होता है, कोई पेंसिल वाला होता है, कुछ भी हो सकता है। पर ये जो आईलाइनर टैटू है, ये टैटू की तरह बनता है, वो निडल वाला जो हाथ में लोग बनाते हैं टैटू, वो टैटू जैसा बनाते हैं और ये परमानेंट हो जाता है। और इसके बाद आप लोगों को कभी आईलाइनर पहनने की ज़रूरत भी नहीं होता है। तो ये है आईलाइनर टैटू। इसी के बारे में मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, तो मुझे बहुत सारा ऐसे लोग मिले जो ये टैटू ऑलरेडी बना चुके हैं। इंडिया में कहीं ऐसा हुआ है मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है। अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए किसको ये पता था पहले से, और किसी ने अगर किया है ये टैटू तो वो भी मेंशन करें कि कौन ऐसा टैटू करता है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि कोई ऐसा टैटू ना बनाए अपने आईलाइनर पे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। अगर कोई धक्का दे दिया तो, अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, ये निडल आपके आई में भी चुभ सकता है ना, ये तो बहुत डेंजरस हो गया आपके आई के लिए। सो अपने आई को प्रोटेक्ट करें, अपने ब्यूटीफुल आईज को प्रोटेक्ट करें और ये सब ना करें। सेकेंड जो ब्यूटी ट्रेंड चल रहा है अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड, और वो है आईब्रो टैटू। जैसे कि मैंने आईलाइनर के बारे में बताया, सेम थिंग है आईब्रो की तरह, कि पहले ब्रो को प्लक कर लिया, फिर वो निडल वाला टैटू बनाने वाला जो निडल होता है उससे ब्राउन कलर से या ब्लैक कलर से निडल से अपने ब्रो को फिल कर दो, और वो भी एकदम टैटू की तरह और परमानेंट। कितना दर्द होता होगा आप खुद ही समझिए। और यहाँ पे सेम डेंजरस चीज़ है कि अगर कोई धक्का दिया तो, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो, कहीं हाथ हिल गया तो आपके फेस पे दाग हो सकता है, कट हो सकता है, आपके आईब्रो में कट हो सकता है, आई में चुभ सकता है। बहुत डेंजरस थिंग है ये। ये भी मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये ट्राई करें। कौन ट्राई करता है ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो कभी ट्राई नहीं करने वाली हूँ। सो ये था और एक डेंजरस, तो इसका भी फोटो आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड है उसमें आता है फेस पंचिंग। यस, पंचिंग मतलब कि फेस में ऐसे सुई को ऐसे दबा दबा के अंदर घुसा देते हैं। तो उससे सब कहते हैं, जो ये लोग करते हैं, मैं इंटरनेट पे सारे कमेंट्स और रिव्यू देख रही थी, जो लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों का ये मानना है कि फेस पंचिंग कराने के बाद उन लोगों के चेहरे का ग्लो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो निडल अपने फेस में चुभाने के बाद ग्लो बढ़ाने का जो ये टेक्निक है, ये तो मुझे पसंद नहीं आया। इतना पेन हम क्यों झेले, भगवान ने हमें जो बनाया है नेचुरली, हम वैसे ही अच्छा है, सब ब्यूटीफुल है। अपने मन से ब्यूटीफुल होना चाहिए, फेस से नहीं। और फेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मुंह में निडल चुभाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ इसके बाद शेयर करूँगी, वो है डर्मा रोलर। उसमें भी बहुत छोटा छोटा निडल है, 0.5 mm का निडल है,
वो मैं 2-3 दिन यूज़ करी हूँ और उसका वजह थी मेरे ओपन पोर्स, बट वो निडल है एकदम, उसमें वो निडल चुभता नहीं है फेस में, एकदम लाइट है। और वो यूज़ करने के बाद फेस फेस में हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब एक यहाँ पे एक सेंसिटिविटी जब फील होता है फेस में उस हल्का सा निडल से, तो कोलाइजन का जो रिलीज है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हमारे फेस में ग्लो आती है। तो इसी के वजह से मैंने वो डर्माडोलर यूज़ किया। एक बार आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी, पर वो पंचिंग वाला निडल बहुत डेंजरस है, बाद में इससे आपके स्किन में प्रॉब्लम भी हो सकता है और स्किन से लेके हमारे सेल बॉडी के सारे टिश्यूज और सेल्स एक से और एक कनेक्टेड रहता है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपके फेस में आप निडल चुभा रहे हो, आपके बॉडी के दूसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्यूचर में, इसका गारंटी आप नहीं ले सकते। तो मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी आपके ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। सो जैसे है आप वैसे ही सुंदर है। नेक्स्ट जो अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड है, ये तो मुझे बहुत ही डेंजरस लगा। मैं अभी तक जो बता रही थी उनमें से ये बहुत ही डेंजरस है, और आगे जो बताऊंगी उनमें से भी ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आई का टैटू है और आई का ऐसी जगह का टैटू है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। हमारे आई बॉल को छोड़ के जो व्हाइट एरिया है हमारे आई का, वहां पे कहीं लोग टैटू बनाते हैं अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए। ऐसे पेनफुल टैटू बनाते हैं अपने आई में कि उनका आई बॉल के बाद भी ये व्हाइट एरिया भी ब्लैक हो जाता है। कोई कोई एक एक कलर का बनाते हैं, कोई ग्रीन, कोई मैरून, कोई ब्लैक, अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए वो लोग ऐसे टैटू बनाते हैं, ऐसे पेन अपने ऊपर लेते हैं कि उनको थोड़ा डिफरेंट दिखे, वो अलग दिखे सबसे। तो इसीलिए ये इंडिया में कहीं हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बाहर बहुत हुआ है और बहुत पैसा खर्च करके लोग ये करते हैं अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए। भाई क्या ज़रूरत है ऐसे यूनिक दिखाने का, जो आपके ऊपर बहुत पेन आ जाए, आपके ऊपर भारी पड़ जाए। ऐसे पेनलेस तो नहीं है, बहुत पेन ही हुआ होगा, पेनलेस तो होगा भी नहीं ऐसे जो निडल वाला टैटू बनते हैं उससे। तो ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी आपके सेंसिटिव एरिया से, तो कोई ऐसे पंगा मत लीजिए ताकि आपका कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई फिजिकल पेन हो, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे तो सोचने में से भी डर लगता है बहुत, और आप भी कभी मत कीजिए। तो इसका भी फोटो आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड है वो है नोज हेयर वैक्स। नोज हेयर वैक्स तो ये कॉमन है, ये इंडिया में भी होता है, बाहर भी होता है, ये एकदम कॉमन है, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत पेनफुल होगा शायद। आप फोटो में भी देख लीजिए, मैंने फोटो भी शेयर किया है, उनमें आप साफ दिखाई दे रहा है, एक वैक्स जैसा एक स्टिकी थिंक नाक में घुसा देता है, फिर कॉटन का बॉल एक ऐसे स्टिक में लगा के वो थोड़ी देर तक लगा के रखते हैं और फिर ऐसे खींच के उसको निकाल देते हैं, सो हेयर रूट से लेके निकल जाता है बाहर। क्या ज़रूरत है इतना पेन लेने की, मैं तो यही सोचती हूँ, क्या ज़रूरत है इतना पेन अपने ऊपर उठाने की। ट्रिम कर लो ना, बहुत सारा ट्रिमर अवेलेबल है, सीजर अवेलेबल है मार्केट में, तो ट्रिम कर लो ना, इतना पेन का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर इतना पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कोई ये रिकमेंड करता है, ठीक है जो करता है करता है, ये इतना भी डेंजरस नहीं है, पर हमारे नोज हेयर के भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो हमारा नोज हेयर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, उसको अंदर जाता तो है पॉल्यूशन पर उतना नहीं जाता है, एक प्रोटेक्शन एक वॉल रहता है हमारा नोज हेयर। सो इसको ट्रिम करो ना, वैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, रूट से उसको निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे पास जो नेक्स्ट अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड है वो है आई लैशेस लिफ्ट। आई लैशेस एक्सटेंशन तो हम लोगों ने सुना ही होगा कि
एक हर्ट जैसा गम लेके एक ट्रीटमेंट होता है और ये बहुत कॉस्टली होता है। हर्ट गम लेके जो हम फॉल्स लैशेस यूज करते हैं ना, उसी लैशेस को छोटा छोटा पीस में हम तोड़ के उसको अपने लैशेस में ऐड करते हैं और वो 1-1.5 महीने तक वो टिका रहता है, पानी से भी रिमूव नहीं होता। जनरली हम जो लैशेस यूज़ करते हैं वो तो आफ्टर मेकअप रिमूविंग वो भी निकल जाता है, हम निकल देते हैं, पर ये 1-2 महीने तक रहता है। ये एक पॉजिटिव इसका साइड है, पर इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। तो हाँ, ये जो लिफ्टिंग का बात मैंने किया वो है अपने लैशेस को कर्ल करना। कर्ल करके भी ऐसे हम जो लैश कर्लर से कर्ल करते हैं फिर वो ऐसे थोड़ा सा कर्ल होके ज़्यादा बड़ा दिखता है ना, वैसे होता है। तो वैसे 1-2.5 महीने तक ये रहता है। तो ये बहुत कॉस्टली भी है और इतना पैसा खर्च करके हम ये करा रहे हैं लिफ्टिंग, तो 1 महीने के लिए तो ये काफ़ी नहीं है ना, बहुत पैसा खर्च होता है इससे। तो अगर हम एक कर्लर यूज़ कर ले और मास्कारा यूज़ कर ले, बस इनफ है तो ना, हम इतना पैसा खर्च क्यों करें इनमें, है ना। तो देख लीजिए, इसका भी फोटो है मेरे पास। नेक्स्ट जो मेरे पास यूनिक अननेचुरल ब्यूटी ट्रेंड है उनमें है आईब्रो लैश एक्सटेंशन। ये भी लैश एक्सटेंशन की तरह ही है पर वो आईब्रो में है। आप देख सकते हैं मेरा आईब्रो का ग्रोथ बहुत कम है, स्पेशली इस एरिया पे मेरा आईब्रो का ग्रोथ कम है। हम क्या करते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं, वेरियस मेडिसिंस यूज़ करते हैं अपने आईब्रो को बढ़ाने के लिए। मैंने पहले भी बोला है कोई लोग वो आईब्रो टैटू बनाते हैं जो एकदम भी बनाना नहीं चाहिए। और ये लैश एक्सटेंशन में हमारा जो आई लैश का जो लैश मिलता है उसी को छोटे छोटे पीस में अलग करके हमारा आईब्रो को फिल किया जाता है वही वो स्ट्रॉन्ग वाला गम से। वो भी 1-1.5 महीने तक टिका हुआ रहता है, ये भी बहुत कॉस्टली है। तो मेरा मानना ये है कि इतना कॉस्टली चीज़ें करके पैसा वेस्ट होता है। 1-1.5 महीने के बाद तो वो निकल ही जाएगा और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर ये निकल गया और ये रह गया तो। तो मेरा मानना ये है अगर आईब्रो को फिल ही करना है, कोई अच्छा सा आईब्रो पेंसिल ले लो, कोई आईब्रो फिलर ले लो। बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, मेरे पास भी बहुत सारा है, मैं तो वो भी शेयर करने वाली हूँ धीरे धीरे। तो ये सब था मेरा सजेशन। और मैं जो डेंजरस थिंग्स मैंने आज ही इंटरनेट पे देखा और ये मेरे पास रिक्वेस्ट भी आया था कोई दूसरे टाइप का, एक यूनिक टाइप का ब्यूटी ट्रेंड शेयर करने के लिए, तो इतने दिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा उतना ट्रैफिक नहीं था। 1 month हुआ है मेरा चैनल का, अभी 200+ मेरा सब्सक्राइबर हो गया है, 250+ मेरा सब्सक्राइबर हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का प्यार है जो है वही मेरे लिए अच्छा है और मैं बहुत ही खुश हूँ। और प्यार दीजिए मुझे, और सपोर्ट दीजिए, और मोटिवेट क्यों कीजिए, क्योंकि आपके 1 लाइक से, 1 सब्सक्राइब से मुझे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, हमेशा रहिए। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।